रिश्ते नाते चुनेंगे, ओ रिश्ते नाते चुनेंगे, ओ यीशु तुमको ना छोड़ेगा, थामेगा तेरा हाथ। चलते चलो यीशु के पास, जहाँ पे तुझको है जाना, एक ही है वो रास्ता, बस प्रभु यीशु है। रखना भरोसा किसी पर, ओ रखना भरोसा किसी पर, ओ जिस पर रखते हो तुम भरोसा, वो भी ना देगा साथ। चलते चलो यीशु के पास, जहाँ पे तुझको है जाना, एक ही है वो रास्ता, बस प्रभु यीशु है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। हाथ उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, 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 और उसके कृपा पात्रों को, और उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, शांति मिले इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को, उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, शांति मिले। हालेलुया हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। हमने अभी अभी वचन सुना कि हम प्रभु के नजरों में, प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान है, कीमती हैं। बड़ा नोट कितने बड़े का? 200 का, 2000 का देखे हैं? देखे हैं? जी हाँ, वो 2000 का नोट कहीं गंदगी में गिर गया, जहां गंदे नाले में गिर गया, कितने लोग यहां पर हैं उसको छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, उस गंदगी से यदि इसमें भी पड़ा है तभी उठा लेंगे, उसको धोएंगे, पानी में डुबा के धोएंगे, साबुन भी लगा देंगे, और ऐसा जगह कल उसको कितने करीब, हृदय के करीब रखेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत कीमती है। 2000 रुपया बहुत कीमती है। आप सोच सकते हैं कि वो 2000 रुपया हमारे लिए इतने कीमती है कि हम मनुष्य जिनको प्रभु ने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंखों के नजरों के सामने हमारी मां के खोक में बनाया है, जब वो कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, कीमती हो, महत्व रखते हो, क्या हो हमें जहां हम गंदगी में वहां छोड़ेगा? नहीं, वो उठाना चाहता है, वो अपनाना चाहता है, वो फिर एक बार बोलना चाहता है प्रत्येक से कि तुम, प्रत्येक व्यक्ति तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्यों महत्व रखते हैं हम? क्यों महत्व रखते हैं? क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें उसके सदृश बनाया। जिस तरह स्वर्ग में परमेश्वर है, इस संसार में हम मनुष्य परमेश्वर के सदृश। क्या हम परमेश्वर के सदृश हैं या शैतान के सदृश हैं? परमेश्वर के सदृश मत बताइए, अपनी आंखें बंद करेंगे।
अपने आप को झांकें, क्या मैंने अपने आप को परमेश्वर के सदृश बनाए रखा है? कितने बार मैंने अपने आप को शैतान के सदृश बना दिया, मैंने अपनी कीमत को भुला दिया, मैं अपने महत्व को भुला दिया, मैंने अपनी कीमत खोई, मैंने अपने महत्व को खोया, मैंने अपराध किए, मैंने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया जो प्रभु नहीं चाहता है, मैंने अपने आप को पवित्र नहीं रखा, मैंने अपने आप को शुद्ध नहीं रखा, मैंने अपने मन में क्रोध वासना नफरत घृणा बैर तरह तरह की बुराइयां बनाई रखी, मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, मैंने इस अपने शरीर को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है इसे अपवित्र किया। हम अपनी अशुद्धता स्वीकार करते हैं, पूरे मन से पूरे दिल से आत्मा से गाएंगे। प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिच की तरह मठमैले क्यों ना हो, विबून की तरह श्वेत हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। शरण में आए सीजन सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने शारीरिक तपस्या करने का आदेश दिया है कि हमारी आत्माओं को चंगा करे, हम पाप से बचने में समर्थ हों और तेरी प्रेम पूर्ण आज्ञाओं का पालन कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सरती जीतन गाड़ा प्रभु हम गिरे आरे, सरती जीतन गाड़ा हम गे प्रभु हम गिरे आरे,
तन अब नतिंग हो मानवा ओ लिंग तन से तिंग तन अब नतिंग जोरंग जितन ए मोना लिंग तन से तिंग तन अब नतिंग हो मानवा ओ लिंग तन से तिंग तन अब नतिंग जोरंग जितन ए मोना जितन गाड़ा अंगी प्रभु अंगिरियारे दुल्हन जितन गाड़ा अंगी प्रभु अंगिरियारे लिंग तन से तिंग तन अब नतिंग हो मानवा ओ लिंग तन से तिंग तन अब नतिंग जोरंग जितन ए मोना लिंग तन से तिंग तन अब नतिंग हो मानवा ओ लिंग तन से तिंग तन अब नतिंग जोरंग जितन ए मोना पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 4-10। हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है। हे प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं नेताओं पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। हे प्रभु तू न्यायी है और यहूदिया के लोग यरूशलेम के निवासी समस्त इसराइली चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन दूर देशों में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण विखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे हमने उनका पालन नहीं किया, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, पिता जैसा मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, पिता जैसा मेरा कितना ख्याल रखता है।
अपनी है थैली में मुझको छुपा लेता है, माँ की ममता से भी बढ़कर उसकी ममता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, ख्याल रखता दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र। मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों पर लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे प्रभु, तेरे शिक्षा आत्मा और जीवन है, तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी।
लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्ग के पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोदी में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर आज के पाठ हैं जो हमने पढ़ करके सुना है। तीन पाठ हमने आज पढ़े हैं। जो पहला पाठ जो नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है और जो मुख्यांश है बहुत स्पष्ट है, हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है। हम में से जितने लोग यहां पर एकत्रित हैं, क्या इसमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि हमने कभी पाप नहीं किया? अगर कोई है तो हाथ उठा सकते हैं। किसी ने नहीं, अर्थात सभी के सभी लोगों ने पाप किया है। अगली बात अभी स्पष्ट है, हमने अधर्म किया है। अधर्म जो कि धर्म के विरुद्ध है। और आखिर धर्म है क्या? अगर हम स्कूली शिक्षाओं की बातें करें, एक गुरु अपने शिष्य को यही बताता है धर्म क्या है। धर्म मतलब धारण करना। अब हम किस चीज को धारण करें उसको समझने के लिए अगर हम देख लेते हैं, आग है, वेदी पर मोमबत्तियां जल रही हैं, वो आग जल रहा है। अगर हमने माचिस लगाया मोमबत्ती में, वहां आग नहीं जल रहा है। अगर जल भी गया, हमने उस पर उंगली रखा और मेरी उंगली नहीं जल रही है, क्या आग अपना धर्म निभा रहा है? आग अपना धर्म निभा रहा है? नहीं। हमें खूब प्यास लगी है, पानी पिए जा रहा हूं, पानी पिए जा रहा हूं, प्यास बुझ नहीं रही है, क्या पानी अपना धर्म निभा रहा है? नहीं। हम सभी लोग मानव हैं, सभी लोग मानव हैं। प्रभु ने जब सृजन बनाया, अपने रूप और स्वरूप में बनाया, उसके नथनों में अपना प्राण वायु फूका, और आज हम अपने भाई को ही नहीं पहचानते, अपने मम्मी पापा को नहीं पहचानते, अपने दोस्त मित्रों को नहीं पहचानते,
अपने पड़ोसियों को नहीं पहचानते। क्या हमारे अंदर मानवता है? क्या हम प्रभु के रूप स्वरूप में हैं? एक बार अपने से पूछ करके देखें। प्रभु ने जब हमें अपने रूप स्वरूप में बनाया तो हमें पूर्ण बनाया, सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। लेकिन आज हमने उसको कैसा बना दिया? हमने आज दो प्रवचन में सुना। पहले प्रवचन में हमने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी जिंदादिली के साथ, जोश और जुनून के साथ उस प्रभु की उपस्थिति का कि वह प्रभु जिंदा है, जीवित है, हमारे बीच में है, हमारे जीवन में है, दयालु है, करुणामय है, क्षमाशील है। और ये कहने की बातें नहीं है, यह अनुभव की बातें हैं। हम जानते हैं, हमने अनुभव किया है। लेकिन उस अनुभव को अपने जीवन के बिल्कुल अंतःकरण में प्रवेश करके एक बार चिंतन करें कि हम कैसे हैं। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, हमको क्षमा नहीं मिलेगी। आज के जो है, जो सुसमाचार है लिखा है, जो उसका मुख्यांश है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। अब एक बार अपने जीवन में झांक करके देख ले, पुनः से एक बार जैसे मैंने बोला, परिवार में प्रवेश कर ले। क्या हम अपने ही घर में माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, घर के सदस्यों के साथ मिलजुल करके रहते हैं? अगर नहीं, अगर कभी बीच में मुटाव हुआ, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ बातों को लेकर अनमन हुआ, तो क्या हम उसको स्वीकार कर पाए हैं? क्या हम उसको माफ कर पाए हैं? क्या हम उसको माफ कर पाए हैं? चिंतन करने की बातें हैं, एक बार परख करने की बातें हैं। सभी लोग एक बार अपने जीवन में चिंतन कर लें, अपने घर परिवार के हर एक सदस्यों को याद करें कि क्या सबके साथ आप मिलजुल करके रहते हैं? जरूरत पड़ने पर अगर कभी जब आपस में झगड़ा मनमुटाव हुआ है, कुछ बातों को लेकर के, चूंकि हम घर में हैं, घर परिवार में होता है झगड़ा, होता है मनमुटाव, होता है। आदम हवा के दो संतान काइन और हाबिल, उनके बीच में भी तनाव हुआ, झगड़ा हुआ। और झगड़ा का रूप और उसका जो कहेंगे कि मंजिल, हम देखते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई को मार भी देता। प्रवक्ता ग्रंथ में बहुत अच्छे तरीके से इस बात का जिक्र किया गया है। प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 28 ध्यान से सुनेंगे। विद्वेष क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों किया करता है। पापी जो है यह दोनों करता है, विद्वेष भी और क्रोध भी। और विद्वेष क्रोध दोनों क्या है? घृणा है। काइन और हाबिल के जीवन में भी बातें हैं। काइन के हृदय में क्या पैदा हुआ? विद्वेष, जलन, ईर्ष्या। किसके प्रति? अपने छोटे भाई के प्रति। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। सीधी बात, हाबिल के बलिदान से प्रभु प्रसन्न हुआ, काइन के बलिदान से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। यह प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद काइन विद्वेष के चंगुल में आ जाता है, उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, विद्वेष पैदा हो जाता है, उसके मन में एक क्रोध पैदा हो जाता है। और दोनों बातें क्या हैं? प्रवक्ता ग्रंथ कहता है ये दोनों बातें घृणित है, और ये दोनों कार्य पापी लोग करते हैं। और कोई ऐसा यहां व्यक्ति है, फिर मैं प्रश्न करूं कि जिसके मन में, जिसके जीवन में कभी विद्वेष की भावना नहीं हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं जगी हो? कोई ऐसा यहां पर व्यक्ति बैठा है जो कभी अपने जीवन में क्रोध नहीं किया हो? हम जो कहते हैं प्रभु जिंदा है, उसने भी एक बार क्रोध किया था। जब उसमें मंदिर में गया और उस मंदिर में लोग जो है खरीद फरोख्त कर रहे थे, जानवरों पशुओं पक्षियों को बेच रहे थे बलिदान के लिए, चंदा वसूली कर रहे थे, वहां पर प्रभु को क्रोध आया। उसने कोड़ा उठाया, जानवरों को मार करके बाहर भगाया, जो चंदा वसूल करने वाला टेबल था उसको उलट दिया और गुस्सा करके बोला, मेरा पिता का घर क्या है? प्रार्थना का घर है, इसे चोरों और डाकुओं का अड्डा। प्रभु का क्रोध था, प्रभु का क्रोध था। लेकिन उस प्रभु का क्रोध जो था वह सकारात्मक था, कुछ बनाने के लिए था, कुछ का, किसी चीज का सृजन के लिए था।
लेकिन जो हमारा क्रोध होता है, जब हम क्रोध करते हैं तो क्या करते हैं, मार के हाथ पैर तोड़ दो, किसी को फंसा दो, किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा दो, किसी को दोषी ठहरा दो, किसी की बुराई करते जाओ, किसी का सर्वनाश करने की सोचो, ये जो है हम क्रोध में करते हैं। और जब हम इसे इस तरीके से क्रोध में करेंगे, ये प्रभु का वचन जो हमने पढ़ करके सुनाया हमारे जीवन में बिल्कुल प्रकट है, प्रकट है। आगे हम पढ़ेंगे, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हल्लेलुया, ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम करते जाते हैं उसके बारे में चिंता नहीं करते और यह मान के चलते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, समय आएगा हमारे हर कर्मों का लेखा जोखा लिया जाएगा। यहां पर जो प्रभु के वचन में लिखा गया है, पापों का पूरा पूरा लेखा लिया जाएगा, और जब पापों का पूरा पूरा लेखा लिया जाएगा तब हमारी स्थिति क्या होगी, एक बार चिंतन कर ले। जो पापी लोग होंगे वे कहां जाएंगे, नरक कुंड में जाएंगे, जहां पर कभी आग बुझती नहीं है, वहां पर कीड़े कभी मरते नहीं है, वो जीवित रहते हैं, आग जलती रहेगी और उस वहीं पर आप जाएंगे। कैसा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा ना, आग में जलते रहिएगा और कीड़े आपके शरीर पर रेंगते रहेंगे पूरा, बड़ा मजा आएगा। वो मरेगा भी नहीं, आग जलता रहेगा लेकिन कीड़ा मरेगा नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं। हम जानते हैं सड़कों में जब जाते हैं कभी कभी कोई जानवर एक्सीडेंट से मर जाता है, किनारे पड़ रहता है, कोई फेंकता नहीं है, उसी तरह पड़ा रहता है, एक दिन दो दिन तीन दिन, चौथा दिन क्या होता है, चौथा दिन क्या होता है, सड़ जाता है, उसके शरीर, उसका शरीर नहीं दिखता है, सिर्फ उसमें कीड़े दिखते हैं, सिर्फ उसमें कीड़े दिखते हैं। और अगर पापों का पश्चाताप नहीं किए, अगर अपने जीवन में बदलाव नहीं लाए, परिवर्तन नहीं लिए, दूसरों को क्षमा नहीं किए, दूसरों को स्वीकार नहीं किए, तो वैसे ही जगह में जाएंगे जहां पर सिर्फ कीड़े होंगे और आग जलती रहेगी, आग जलती रहेगी। लेखा लिया जाएगा, सबका लेखा लिया जाएगा, जो जो हम कर्म कर रहे हैं उसका लेखा लिया जाएगा। आगे बात और सुंदर बात है, इस बात का ध्यान करेंगे, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अपने पड़ोसी का पाप क्षमा कर दो। आज के इस परिवेश में सबसे बुरा आदमी कौन है, सबसे बुरा आदमी कौन है, अपना पड़ोसी, अपना पड़ोसी। हम हमेशा अरे पड़ोसी ना, अरे बहुत गंदा आदमी है, वो बहुत बुरा आदमी है, ये काम करता है, वो काम करता है, हमेशा ऐसा रहता है, हम क्या करते उसकी चिंता नहीं, लेकिन हमारा पड़ोसी गंदा आदमी है, बेकार आदमी है, हर बुराई वही करता है, हम तो बिल्कुल सही आदमी है, तो पड़ोसी सबसे बुरा आदमी है। ये हम सबकी जो है दैनिक प्रक्रिया है, हम इसी तरह जीते भी हैं। विशेष करके जो माता लोग हैं, महिलाएं हैं, कभी भी जब बात करेंगी तो किस बात को करेंगी, अरे वो फलानी ना, वो ऐसा, अपनी बात नहीं, दूसरों की बात, पड़ोसी की बात, पड़ोसी की बात, फलानी ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा क्या, फलानी ऐसे कि, दूसरों की बातें, पड़ोसी जो भी गलत है पड़ोसी है। यहां पर हम जानते हैं, यहां पर लिखा है, हमने प्रभु के वचन में सुना बहुत अच्छे तरीके से, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे भी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। तो तुम क्षमा करो तुम्हें क्षमा मिलेगी, तुम क्षमा करो तुम्हें क्षमा मिलेगी। तब क्षमा करने के लिए सबसे पहले जरूरत यह है कि हमारे अंदर वह सहनशीलता, विनम्रता, कोमलता जो कि हमने पढ़ करके वचन में सुनाया, जो कि कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 12 से आ गए हैं। अगर हम उस तथ्य को, उस प्रभु के वचन को अपने जीवन में अमल कर लें, क्योंकि हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं और इसीलिए हमको ऐसा जीवन जीना है, इस बात को समझ गए तो हम अपने पड़ोसी को क्षमा भी कर पाएंगे, हम अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और हमको भी क्षमा मिलेगी। मती रचि सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 23 से जब हम आगे पढ़ते हैं, बहुत स्पष्ट शब्द में लिखा है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो
और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ करके पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब जाकर के अपनी भेंट चढ़ाओ, तब जाकर के अपनी भेंट चढ़ाओ। अब चिंतन करने की बात यह है कि क्या हम इस बातों पर चिंतन करते हैं कि हमारा भाई भी है, क्योंकि बहुत समय ऐसा आता है कि लोग अपने भाई को अपना भाई स्वीकार करना भी नहीं चाहते। अगर कोई पूछ दे ये कौन है तो हमारे गांव का होगा, हम बताने में कतराते हैं कि हमारा भाई है, विशेष करके उस स्थिति में कि अगर हमारा भाई और हमारे बीच में आर्थिक रूप में थोड़ा सा ज्यादा उतार चढ़ाव है। हो सकता है आपके भाई के पास एक छोटा सा मकान हो और आपके पास दो मंजिला तीन मंजिला मकान हो, हो सकता है उसके पास एक टूटी साइकिल हो, आपके पास मोटरसाइकिल हो, आपके पास कार हो, और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है कि दोनों जन एक साथ हैं, अगर पूछा जाता है यह कौन है, आप इनकार देते हैं कि मेरा भाई नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी प्रेस्टीज खत्म हो जाएगी कि अरे आप इतना बड़ा आदमी, आपका भाई ऐसा है भिखारी है, तो उस अवस्था में अपने भाई को भी इनकार देते हैं। ऐसा होता नहीं लेकिन ऐसी बातें होती है, मैंने एक बार मेरा एक अनुभव है, एक बहन एक सभा थी, सभा में बहन चुकी हमेशा बढ़िया से कपड़े पहनती रहती थी, बहुत अच्छे देखने से लगता, बहुत घरे अमीर घराने से हैं। एक बार उनके पिताजी सामने थे, युवाओं की मीटिंग थी, उस युवाओं की मीटिंग में ही उनसे पूछा गया ये कौन है, क्योंकि वो बार बार उस बेटी से कुछ पूछ रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा वो कौन है, और उस बेटी का जवाब था ये इस पल्ली के माली हैं, माली है, उनके पिताजी थे वो माली हैं। वह यह नहीं कह पाई कि मेरे पिताजी हैं, क्यों, क्योंकि लोग कहेंगे अरे ऐसा तुम्हारे पिताजी, क्योंकि वे लुंगी में थे, बनियान फटी हुई थी, लोगों के सामने स्वीकार करेंगे मेरे पिताजी तो लोग क्या कहेंगे कि इसका बाप ऐसा है, और उसने अपने पिताजी को इनकार कर दी कि मेरे पिता है, इनकार कर दी। यही हमारी मानवता, यही हमारी इंसानियत, और सबका लेखा लिया जाएगा। हमने यहां पर देखा है, अगर हम यहां पर मिसा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं, चढ़ावा का भी समय आएगा, इसे प्रवचन के बाद हम जो है चढ़ावा में भी भाग लेंगे, निश्चित है जितने लोग आए हैं अपने मन में कुछ ना कुछ जरूरत मन्नत को लेकर के आए होंगे कि हे प्रभु तू मेरे दुख को दूर कर दे, मेरे बीमारी को दूर कर दे, मुझे आशीष कृपा दे, मेरे बच्चों को बुद्धि विवेक दे, बहुत सारी निवेदन लेकर के आप आए होंगे, बहुत सारे निवेदन लेकर के आए होंगे, लेकिन क्या आपका निवेदन, आपकी प्रार्थना मात्र अपने तक है या किसी औरों के बारे में भी आपने सोचा, किसी औरों के बारे में भी सोचा? हो सकता है आपसे ज्यादा जरूरतमंद कोई और होगा जिसकी जरूरत है प्रार्थना की, हो सकता है आपसे ज्यादा कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पीड़ित पीड़ित है, लाचार है, हो सकता है घरों में होगा, हॉस्पिटल में होगा, हो सकता है कहीं फुटपाथ पर होगा, क्या हमने उसके लिए भी अपने मन में कोई चाहत जगाया है, उसके लिए भी हमने अपने हृदय में अपने मन में कोई प्रार्थना जगाई है? हमने यहाँ पर व्यवहारिक रूप में बिल्कुल अपनत्व की बातों को लेकर कहा गया है कि अगर तुम वेदी के पास जा रहे हो, चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हो, उसको तुमको याद आता है कि तुम्हारा अपना भाई के साथ मनमुटाव है या आपको भाई से आपकी कोई शिकायत है, पहले जाओ अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, क्या ऐसा हम कर पाते हैं, क्या ऐसा हम कर पाते हैं? उदाहरण के रूप में मैं अपना उदाहरण दूंगा, मैं जब सेमिनरी में चला गया, सेमिनरी में जाने से पहले जो हमसे बड़े भाई हैं CRPF में है, उनके साथ मनमुटाव हुआ, घर परिवार में माता पिता के साथ, हम तीन भाई हैं, तीनों भाइयों के बीच में इस प्रकार से बातें आई कि घर टूट गया, बिखर गया, सब अलग अलग हो गए, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जो भाई कुछ कर सकता था वही खुद अलग हो करके अलग तरीके से जीने लगा, और दूसरी बात है कि माता पिता को भी उसने गलत ठहराना शुरू कर दिया कि माता पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने हमारा ख्याल नहीं किया है, इस प्रकार के जीवन से मुझे बड़ा कष्ट लगा। मैं सेमिनरी में जाने के बाद भी वापस आया, मैं कोशिश करता रहा कि हम लोग आपस में मिल जाए, फिर से वह पुराना जो है मेल मिलाप का भाव बना रहे, क्योंकि हमारा गांव में पहले बड़ा नाम था कि हमारा यह परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है, लेकिन उस भाई के कारण से घर परिवार में फूट हुआ। अब ऐसी स्थिति में मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद जब से सेमिनरी गया 11 साल तक अपने भाई से ही मैंने बात नहीं किया, अपने ही भाई से मैंने बात नहीं किया,
छुट्टी में आता था, भाई से बात नहीं करता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं छुट्टी में आता था तो छुट्टी में नहीं रहते थे, तो घर में नहीं रहते, तो ऐसे भी बात नहीं होती थी। कभी फ़ोन से भी मैंने बात नहीं किया। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मैं छुट्टी आया, वो भी घर में थे, लेकिन हम लोग आपस में बात नहीं किए। कारण मात्र इतना था कि उन्होंने माँ बाप को ठुकराया, घर परिवार को तोड़ने का काम किया, जो मुझे मेरे लिए असहाय था, मैं सह नहीं पा रहा था। तो मेरे अंदर क्रोध था, मैंने बताया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर क्रोध ना हो, मेरे अंदर भी क्रोध था। समय बीतता गया और जब मेरा पुरोहिताभिषेक का समय आया, दिन तय हो गया। उसके पहले और भी एक दुखद घटना हो, उसका कभी अगर दूसरा कभी समय मिलता बताऊंगा। लेकिन समय आया तो लोगों ने मेरे भाई को बोला कि भाई कृपाल अब जा रहा है फादर बनने, अगर इस समय अगर आप नहीं बोलते हैं, उससे मेल मिलाप नहीं करते हैं, तो आपके लिए बदनामी की चीज़, तो जो है फादर बन जाएगा, अपना जहाँ जाना होगा चला जाएगा, लेकिन आपकी बड़ी बदनामी होगी। अच्छा होगा इस समय आप उससे मेल मिलाप कर लीजिए। मेरे अंदर बस वही क्रोध था कि मेरा भाई परिवार को तोड़ा है। मैंने कोशिश किया और मेरी बात को उसने नहीं माना। एक दर्द था, एक पीड़ा थी। और उसके बाद जब वो भाई लोगों के कहने पर मेरे पास आया, बोला बोल भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या लगता है पुरोहिताभिषेक में क्या लगता है। प्रभु की कृपा से जो भी पुरोहिताभिषेक का जो सामग्री था, सब कुछ हमें किसी न किसी के द्वारा गिफ्टेड था, सब कुछ हमें जो है कोई ना कोई उपहार के रूप में दे चुका था। पूछ रहे हैं कि जो ये जो चशिबल ये कितना मिलता है, क्योंकि कोई हमको गिफ्ट दे रहा है, एक सिस्टर गिफ्ट दे रही है। मिसा बलिदान का चढ़ाने वाला कटोरा और जो है जो सामान है वो कितना पड़ता है, क्योंकि वो भी हमको एक गिफ्ट मिल रहा है। तो जितनी भी चीज़ें थी मुझे सब गिफ्ट के रूप में प्राप्त था। कहा तो मैं क्या करूँ, मैंने बोला कि प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपका छोटा भाई फादर बनने जा रहा है, प्रभु की सेविकाई कार्य में जा रहा है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए सच्चे हृदय से, प्रभु आपका आशीष देगा। उसके बाद मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाया कि आप मेरे लिए कीजिए। दूसरे फादर ने उनको जो है सलाह दिया कि ऐसा है कि आप जब मदद करना चाहते हैं तो जो धन्यवाद का हिस्सा होगा उसमें जो भी खान पान का खर्चा होगा ज़्यादा, वही खान पान का ही खर्चा में लगेगा, आप उस खान पान का खर्चा संभाल लीजिए। और वह भाई खुशी खुशी से उस कार्यक्रम को संभाला। 3.75 लाख का खर्चा हमारे धन्यवाद के मिशन में पड़ा। वह अकेले भाई ने पूरा खर्चा उठा लिया। आज भी हमसे मिला हुआ है, बातें करता है, हमेशा पूछता है कोई ज़रूरत है तो बोलना, हमेशा खबर लेता है। और आज पूरा परिवार फिर से मिला जुला आनंदित है। प्रभु के लिए ताली बजाएगा। मेल मिला, क्षमा कर दा। हमारे अंदर भी एक क्रोध था, लेकिन जब भाई मेरे पास आया, उसने अपनी एक सहनशीलता को, विनम्रता को, कोमलता को प्रकट किया। और फिर से घर जो कहते हैं कि फादर बताएंगे, घर बना स्वर्ग किताब वो लिखे हैं, हमारा घर फिर से स्वर्ग बन गया। और आज घर परिवार खुशहाल है, घर परिवार खुशहाल है। हम यहाँ पर प्रभु के वचन में यही पढ़े हैं, अगर अपने भाई को, आपको मालूम है कि आपको भाई को आपसे शिकायत है, पहले जाइए उसे मेल मिलाप कीजिए। और यह अनुभव की बातें हैं, और यह तभी अनुभव होगा कि वास्तव में अगर आप अपने अस्तित्व को समझते हुए कि प्रभु जिंदा है, हमारे हृदय में जिंदा है, तो निश्चित है यह प्रवृत्ति भी हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए कि हमें अपने भाई का ख्याल हो, हमें अपने माता पिता का ख्याल हो, हमें सबकी पहचान हो, हमारा पड़ोसी भी कौन है उसकी भी पहचान हो, मित्र कौन है उसकी पहचान हो। और तब जाकर के हम प्रभु के उस मर्म को समझ पाएंगे। तुम यहाँ पर जो हमने सुसमाचार में पढ़ा कि तुम दूसरों पर दोष मत लगाओ और तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हमने उसमें यह भी पढ़ा, जिस नाप से नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उस समय चिंता करने से, घबराने से कोई लाभ नहीं होगा। उस समय हमें मात्र उसका जो है फल को भोगना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से अपने आप को तैयार करें, क्यों हम अपने अंदर बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, ताकि जो प्रभु की महिमा है हमारे जीवन में प्रकट हो। आगे और भी बातें लिखा गया बहुत सुंदर तरीके से कि कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुदई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादों के हवाले कर दे, प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। और जब तक आप कौड़ी कौड़ी नहीं चुका देंगे, आप वहाँ से मुक्त नहीं हो जाएंगे। ये जो है पुनः से वही आपसी सद्भाव को दर्शाता है, आपसी मेल मिलाप को दर्शाता है।
अगर भाई लोगों के बीच में मनमुटाव होता है, अगर झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जमीन जायदाद को लेकर के होता है, धन दौलत को लेकर के होता है कि हमारा इतना है, हमको कम है, उसको ज़्यादा है, ये अच्छा है, वो बुरा है। और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से हम बने रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समय आएगा कौड़ी कौड़ी बिक जाएगा और हमें न्याय भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों के बीच में अगर कोई जो है खेती और जमीन जायदाद के बीच में जो लड़ाई लड़ता है, केस का कानूनी हक की लड़ाई लड़ता है, वो जानते होंगे हर महीने 15 दिन के बाद, हर एक महीने के बाद केस पड़ता है, जाएंगे 5,000-10,000 देंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरा डेट पड़ेगा, फिर तीसरा आएगा, 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, 20-25 साल बीतेगा, मर जाएंगे, बेटे के ऊपर पड़ेगा, बेटा जाएगा, करते रहेगा, अंत में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जो था वह भी नहीं मिला, कुछ प्राप्त करने की तो बात अलग है, हम कंकाल बन जाएंगे। अगर हम अपने हृदय में विद्वेष पाल करके जीने लगे, क्रोध में जीने लगे, बुराइयों में जीने लगे, हम अगर क्षमा नहीं कर पा रहे हैं उस रूप में जीने लगे, हम सहनशीलता को ग्रहण नहीं करके, कोमलता को ग्रहण नहीं करके, वैमनस्यता को सजा करके जीवन जीने लगे, समय आएगा हमारा अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। और अगर हमारा अस्तित्व होगा भी तो वह नरकीय अस्तित्व होगा, प्रभु के रूप में नहीं होगा। जब प्रभु ने अपने रूप स्वरूप में बनाया, वह रूप स्वरूप होगा नहीं, वह रूप स्वरूप होगा नहीं। उस रूप स्वरूप को हमने कुरूप बना दिया है, उस रूप स्वरूप को हमने कुरूप बना दिया है, जिसको उसने अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया था, उसको हमने बिल्कुल जो है शैतान का रूप बना दिया। ईर्ष्या से, क्रोध से, घृणा से, मनमुटाव से, झगड़ा से, गाली गलौज से, हमने इसे बिल्कुल नरकीय बना दिया। और इसलिए जब आज हम यहां पर आए हुए हैं, इस 3 दिन की प्रार्थना सभा में हम भाग लेने जा रहे हैं, यह हमारे लिए सुनहरा अवसर है, यह स्वर्णिम समय है कि हम अपने अंदर बदलाव लाने के लिए एक संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, हम नया स्वभाव को धारण करेंगे, हम बदल जाएंगे, प्रभु के लिए बदल जाएंगे, और सच्चे रूप स्वरूप को उजागर करते हुए अपने जीवन में प्रभु की महिमा को प्रकट करेंगे। और अगर हमने सच्चे हृदय से संकल्प लेकर के जीना शुरू कर दिया, तो जो हम तैयारी कर रहे हैं प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए, वह पर्व सिर्फ पर्व नहीं रह जाएगा, हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। जो प्रभु पुनर्जीवित हो उठा है, वह हमारे हृदय में हमेशा जिंदा रहेगा, और जब प्रभु हमारे हृदय में जिंदा रहेगा, हम उसका अनुभूति के साथ जिएंगे, हमारे घर परिवार में शांति होगी, सुकून होगा, आनंद होगा, प्रेम होगा, दया करुणा क्षमाशीलता का भाव होगा, स्वर्ग हमारे घर में होगा, हमारा घर स्वर्ग होगा, क्योंकि प्रभु हमारे घर में होगा। तो आइए आज के इस पवित्र मिशा बलिदान में हम इन बातों पर चिंतन करें, अपने जो भी हमारी कमी है, कमजोरी है, उसके ऊपर एक बार नज़र डालें। हमने जो है दूसरा पाठ को जो सुना, जो कि फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में था, मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और अपने महिमामय शरीर की अनुरूप बना देंगे। कब? जब हम यह संकल्प ले लेंगे कि हम बदलेंगे, अपने अंदर की बुराई को त्यागेंगे, पाप कर्म से ऊपर उठेंगे, सत्कर्म में लग जाएंगे, प्रभु जो जीव उठा है उसका अनुभव करते हुए उसके अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाएंगे, और तब प्रभु हमारे शरीर को भी रूपांतरित कर देगा। हम रूपांतरण का जो है पर्व के रूप में वचन हमने सुना है, प्रभु का पुनरुत्थान का भी हम पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु हमारे शरीर को रूपांतरित कर देगा, आध्यात्मिक रूप पुनः से सजीव हो जाएगा, सच्चा रूप स्वरूप पुनः से जीवित हो जाएगा, और हम उस महिमामय शरीर के अनुरूप हो जाएंगे, ईश्वरीय रूप में हम प्रकट हो जाएंगे, ईश्वर का जो सच्चा रूप जिस रूप में उसने हमको बनाया था वह हमारे जीवन में प्रकट होगा, प्रभु की महिमा फैल जाएगी, हमारा जीवन सार्थक होगा। और तब जो प्रभु ने कहा था, उसने मनुष्य को सबसे बुद्धिजीवी प्राणी बनाया, हम उसका गौरव प्राप्त करेंगे। प्रभु की आत्मा सदैव हमारा साथ दे, हमारा मार्गदर्शन करे, ताकि हम उस महिमामय पुनर्जीवित शरीर को अपने जीवन में जागृत करके उसकी महिमा के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम चढ़ाएं जो हमें परमेश्वर के प्रतिरूप बनने से रोक देता है, जो हमें परमेश्वर के जैसे बनने के लिए रोकता है। हमारी हर बुराई हम प्रभु को दें आज के दिन,
यदि हमारे हृदय में मन में मन मुटाव है, किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, वैर है, गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष, यदि कोई भाई कोई बहन से हम बात नहीं करते हैं, किसी पड़ोस से बात नहीं करते, आज उस व्यक्ति को भी प्रभु को समर्पित करें जिसने आपको तकलीफ पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, आज उसको भी प्रभु के चरणों में लाए। इस बलिदान का दूसरा भाग, पवित्र भाग, आइए पूरे मन से, पूरे हृदय से, करुणामय हृदय करुणामय मन से हम इस भाग में सहभागी हो जाएं। चढ़ावा का गाना गाएंगे। प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें।
हे प्रभु अपनी सेवा की भेंट तुझे चढ़ाते हैं, तू इसे हमारे लिए मुक्तिदायी संस्कार बना दे। हम इस रोटी और अंगूरी के साथ जिनको हमने तकलीफ पहुंचाया उनको भी तेरे चरणों में लाते हैं। हे महान परमेश्वर, तूने हमें अपने सदृश बनाया था, आज इस बलिदान के द्वारा फिर एक बार हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे हृदय को अपने सदृश बना दे, अपनी महिमा के सहभागी बना दे, तेरे जैसे हमें भी प्रेमी बना दे, तेरे जैसे हमें क्षमाशील बना दे। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से अहित कर अवधि ठहराई है कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। इसलिए हम सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर में गाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हाथ उठाकर ताली बजाइए। परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये उपहार अपनी आत्मा के संपर्श से पवित्र कर दे,
कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ, हो तेरी विश्वास का रहस्य। क्रिस्ट प्रभु मर गए, क्रिस्ट प्रभु जी उठे, क्रिस्ट प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। एक साथ गाएंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। प्रभु एर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षगण और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम सिद्ध बना दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए हम अपने सभी प्रियजनों को याद करें जो हमारे साथ नहीं हैं, वे प्रभु के पुनरुत्थान के सहभागी हुए हैं। हम सभी मानव हैं, उनके लिए सच्चे हृदय से एक बार दुआ करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका धन्यवाद संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक का सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाग्र तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है।
प्रभु यीशु के साथ मिलकर पिता को पुकारें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब तेरा पुत्र हमारा मुक्तिदाता फिर प्रकट होंगे, क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है, फिर एक बार, क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है, क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी, पर प्रभु की शांति का अभिवादन करें, क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। देखिए ईश्वर का मेमना, देखिए वो जीवित प्रभु, देखिए वो प्रभु जो हमारे साथ है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमसे प्यार की मांग कर रहा है, जो हमें क्षमा करता है और हमें भी क्षमा करने के लिए बुला रहा है, जो हमारे जीवन में महान महान कार्य करना चाहता है, इसलिए वो उसके सदृश बनने के लिए हमें बुला रहा है, हमारे जीवन में मुक्ति उद्धार लाना चाहता है, इसलिए वो आज हमको इस भोज में बुलाया है, धन्य है हम जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। यह संस्कार है, यह संस्कार है, इसलिए वही लोग इसे ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेंगे जिन्होंने संस्कार ग्रहण किया है, बपतिस्मा के बाद पाशुकार संस्कार और अन्य संस्कारों को ग्रहण किया है, तैयार किया है, वही इसे ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग बैठे प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता।
समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हमने प्रभु को ग्रहण किया है और बाकी लोग भी अपने आंखें बंद करेंगे। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अपना मंदिर बना ले, मेरे इस शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को तो अपना मंदिर बना ले। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को तू बदल दे, मुझे प्रेमी बना, मुझे प्रेमी बना। जिस प्रकार तू प्रेमी है मुझे भी प्रेमी बना, जिस प्रकार तू करुणामय है मुझे भी करुणामय बना, जिस तरह तू क्षमाशील है मुझे भी क्षमाशील बना, मुझे तू अपने जैसा बना। प्रभु मुझे भी तू अपने जैसे बना, हे महान परमेश्वर मुझे फिर एक बार तू अपना सदृश्य वापस लौटा दे, मुझे फिर एक बार तू अपने सदृश्य को वापस लौटा दे, तू अपनी महिमा मुझे प्रदान कर, मुझे भी प्रेम का वाहक बना, शांति का वाहक बना। यही प्रार्थना पिता हम करते हैं तेरे ही पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। हे महान परमेश्वर, तेरी प्रजा है, ये तेरे लोग हैं, तूने चुना है प्रभु, तूने कहा है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज महान परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर तू अपनी इस प्रजा को आशीर्वाद दे, तू एक एक को अपने सदृश्य बना दे पिता, पापों के बंधन से छुड़ा ले, अपनी आत्मा की आग से इनके हृदयों में जो भी नफरत है, घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन है, नष्ट कर दे। हर हृदय को अपने प्रेम से भर दे, अपने प्रेम का एहसास करा दे, एक एक अपने गले से लगा ले परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।